नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, हम लोग वैदिक काल के प्रश्न हल कर रहे थे, उसी क्रम में आज ये तीसरा वीडियो है वैदिक काल का। इतिहास की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप सीक्वेंस वाइज जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और इससे पहले वैदिक काल के दो वीडियो आ चुके हैं, उनको जाकर के देख लीजिए। आज हम लोग हल करने वाले हैं उससे आगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक तरफ नदियों के प्राचीन नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिए हुए हैं। तो दोस्तों, सरस्वती नदी जो है ये घग्गर हाकरा के नाम से जानी जाती है, शतुद्री को सतलज कहते हैं और परुस्नी को रावी कहते हैं, बिपाशा को ब्यास नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका विकल्प जो सही होगा वो सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था, क्योंकि लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे, सरकार का व्यय अल्प था, सरकार को भूमि कर देने के आदि नहीं थे, लोग भूमि कर देने के आदि नहीं थे। तो दोस्तों, इसमें लोग एक स्थान से स्थायी रूप से नहीं बसे थे। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? दोस्तों, जो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप था वो था गोधन। आगे बढ़ेंगे, एक सूची दी हुई है, अश्वलायन संहिता, आपस्तंभ ग्रह सूत्र, मैत्रायन निरुक्त, यास्क धर्म सूत्र। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों, इसमें जो विकल्प सही होगा वो डी नंबर सही होगा, यानी कि 2 4 1 3। तो इसमें देख लीजिए, 2 4 1 3, यानी कि जो अश्वलायन होगा वो ग्रह सूत्र होगा, आप स्तंभ जो होगा ये धर्म सूत्र होगा, मैत्रायण जो होगी वो संहिता होगी, और यास्क जो होगा निरुक्त से संबंध होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ है, ऋग्वैदिक काल में, ब्राह्मण काल में, आरण्यक काल में या उपनिषद काल में? दोस्तों, ये हुआ है उपनिषद काल में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एक सूची दी हुई है और सूची सेकंड दी हुई है, सूची फर्स्ट, इसमें आपको मिलान करना है, कल्प व्युत्पत्त विज्ञान, शिक्षा श्वन विज्ञान, निरुक्त अनुष्ठान, छंद चतुष्पदी। दोस्तों, कल्प जो है वो संबंधित होगा अनुष्ठान से, और शिक्षा जो संबंधित होगी वो स्वविज्ञान से संबंधित होगी, और निरुक्त जो संबंधित होगी वो संबंधित होगा व्युत्पत्ति विज्ञान से, और छंद जो संबंधित होगा चतुष्पदी से संबंधित होगा। तो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, पुरुष सूक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? यह ऋग्वेद के सातवें मंडल में आया, इसमें ब्राह्मण आदि पुरुष के मुख से निश्चित होने का उल्लेख है, या श्रेणीबद्धता के उदय को प्रकट करता है, या उस समय उद्भूत हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है? तो दोस्तों, यह ऋग्वेद के सातवें मंडल में आया है। अगला प्रश्न, वैश्य का लक्षण दूसरे को बलि देने वाला और दूसरे के भोज्य या उपभोग में आने वाला बताया गया है, वाजसनेयी संहिता में, इतरेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, या शतपथ ब्राह्मण में? दोस्तों, ये बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? वे सभा में कार्यवाही में भाग लेती थी, वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, उनका विवाह यौना आरंभ से पूर्व हो जाता था, बताइए। तो दोस्तों, सही जो नहीं है वो लास्ट वाला सही नहीं है, विकल्प डी। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण मिलते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद में, केवल यजुर्वेद में, सामवेद अथर्ववेद में, केवल अथर्ववेद में? दोस्तों, ये मिलते हैं केवल यजुर्वेद में। आर्य भारत में आए शरणार्थी के रूप में, अप्रवासी के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में, या व्यापारी के रूप में, बताइए। दोस्तों, ये आए थे अप्रवासी के रूप में। दशराग युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं और भूमि संबंधी विवाद था, शक्ति प्रदर्शन था, पुरोहितों का षड्यंत्र, या व्यापारी के रूप में? दोस्तों, पुरोहितों का जो है षड्यंत्र था। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को ज्ञान नहीं था, संपूर्ण गंगा घाटी का, दोनों समुद्रों का, हिमालय के विभिन्न पर्वत चोटियों का, कृष्णा नदी के घाटी क्षेत्रों का, बताइए। तो दोस्तों, कृष्णा नदी के घाटी क्षेत्रों का जो है उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को ज्ञान नहीं था। वैदिक समाज में उच्च आचार और नैतिक व्यवस्था थी, क्योंकि सत्य बोलना एक धार्मिक कर्तव्य था, अपराध बहुत कम होते थे, अपराधों पर कठोर नियंत्रण रखा जाता था, उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी, सत्य बोलना धार्मिक कर्तव्य था, अपराध बहुत कम होते थे, अपराधों पर कठोर नियंत्रण था, तो विकल्प डी सही होगा। वैदिक काल में द्विज में शामिल थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, द्विज में कौन कौन से लोग आते थे?
दोस्तों इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते थे। प्राचीन लौह युगीन बस्तियों से संबंध मृदभांड थे। गेरू वर्णी मृदभांड, काले और लाल मृदभांड, उत्तरी काली पालिस वाले मृदभांड या चित्रित धूसर मृदभांड, बताइए। दोस्तों ये थे चित्रित धूसर मृदभांड। पृथ्वी से संबंधित देवता थे अग्नि, वरुण, सविता या मरुत। दोस्तों पृथ्वी से संबंधित देवता जो थे वो अग्नि देवता थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निर्वाह अर्थव्यवस्था पशुपालन से कृषि व्यवस्था में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था। धन में वृद्धि, जनजातियों ने स्थायी रूप से बस्तियां बनाई, आहार संबंधी सुधार या विभिन्न व्यवसायों का विकास। दोस्तों इसमें था आहार संबंधी सुधार। अगला प्रश्न एक तरफ सूची दी हुई है और एक तरफ उससे मिलान करना है। दोस्तों भूषण सूर्य के पिता, सविता सर्वशक्तिमान देवी, अदिति प्रकाश देवता, धौ वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता। तो दोस्तों भूषण जो संबंधित हैं वनस्पतियों और अग्नि के औषधियों के देवताओं से संबंधित हैं। सविता जो संबंधित हैं वो संबंधित हैं प्रकाश के देवता के रूप में। और जो अदिति संबंधित हैं, अदिति संबंधित हैं सर्वशक्तिमान देवी के रूप में। और धौ जो हैं वो सूर्य के पिता से संबंधित हैं। तो विकल्प सही होगा विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। नप्त शब्द का प्रयुक्त होता है किसके लिए? गुरु शिष्य के लिए, माता एवं पिता के लिए, चचेरे भाई बहन के लिए, दादा नाना मामा इत्यादि के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये शब्द प्रयोग होता है चचेरे भाई बहन, दादा नाना और मामा इत्यादि संबंधियों के लिए। निम्नलिखित में सुमेलित करना है आपको। आपके जो है ऑप्शन दिए हैं और साथ ही साथ कूट में आपको बताना है कि कौन सा किसमें मिलान होगा, ठीक है। दोस्तों ब्रह्म विवाह समान वर्ण के कन्या का मूल्य चुकाकर देव विवाह, यज्ञ करने वाले के साथ विवाह, प्रजापति विवाह, प्रेम विवाह, गांधर्व विवाह बिना लेन देन के योग्य वर विवाह, असुर विवाह, कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना। दोस्तों ये जो विकल्प आमने सामने दिए हैं निश्चित रूप से यही विकल्प सही है। तो विकल्प ए सही होगा, यानी ब्रह्मा विवाह समान वर्ण में कन्या का मूल्य चुकाकर देव विवाह, यज्ञ करने वाले के साथ विवाह, प्रजापति विवाह, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह, असुर विवाह, कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। उपनिषदों के दर्शन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नौका से की गई है। उपनिषदों में कर्मकांड पर बल दिया गया है। आत्मा परिवर्ती, अविनाशी और अमर है। आत्मा और ब्रह्मा का भेद अज्ञान तथा अविद्या द्वारा होता है, बताइए। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इसमें उपनिषदों में कर्मकांड पर बल दिया है। आर्य शब्द इंगित करता है नरजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। दोस्तों ये निरूपित करता है भाषा समूह को। नचिकेत और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है छांदोग्य उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में, कणे उपनिषद में या कैनो उपनिषद में, बताइए। दोस्तों ये है कड़े उपनिषद में, ठीक है। तो विकल्प सी सही होगा। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है द्वापर कृत त्रेता और कलि कृत द्वापर त्रेता कलि कृत त्रेता द्वापर और कलि त्रेता द्वापर कलि और कृत। कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों इसमें विकल्प सही होगा कृत त्रेता द्वापर और कलि, विकल्प सी। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शतरुदी, सरस्वती या गंगा। दोस्तों इसमें जो है सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? लोप मुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री। दोस्तों लोप मुद्रा ने जो है वेद मंत्रों की रचना की थी। निम्न में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है? ब्राह्मण लड़के का क्षत्रिय लड़की से, वैसे लड़के का शूद्र लड़की से, ब्राह्मण लड़के का शूद्र लड़की से या शूद्र लड़के का वैसे लड़की से। दोस्तों प्रतिलोम विवाह है शूद्र लड़के का वैसे लड़की से, विकल्प डी सही होगा। उत्तर वैदिक पाठों में संबंधित पुरातात्विक संस्कृति है गैरवर्णी मृदभांड, काले व लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काली पालिस वाले मृदभांड। दोस्तों इसमें होंगे चित्रित धूसर मृदभांड। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आर्य भारत के ही मूल निवासी थे इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच किसी नए जन समुदाय का शक नहीं प्राप्त होता है।
ऋग्वेद में सप्त सैंधों का सर्वाधिक बार उल्लेख, अधिकांश विद्वान आर्यों को भारत का ही मूल निवासी मानते थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच किसी नए जनसमुदाय का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, तो विकल्प ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इंद्र, सूर्य, शूद्र या मरुत? दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विकल्प बी सही होगा। वैदिक में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या सिक्का? दोस्तों, इसका प्रयोग हुआ है सिक्के के रूप में। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? दोस्तों, मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? अष्टाध्यायी, महाभास, गीता या महाभारत? दोस्तों, ये कहा गया है गीता में। ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में? दोस्तों, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? दोस्तों, ये मिलता है अथर्ववेद में। वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ है? किसी महिला द्वारा स्वतंत्र रूप से यज्ञ का संपादन, किसी सामंती परिवार की महिला द्वारा कुमारी रहने की शपथ, निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्त हेतु तो अपने देवर के साथ संभोग, पति की मृत्यु पर विधवा पर प्रतीकात्मक सती होना, नियोग शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों, नियोग शब्द का अर्थ है निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्त हेतु तो अपने देवर के साथ संभोग। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, पितृयज्ञ या श्राद्ध? दोस्तों, अग्निष्टोम को जो है सोमयज्ञ माना जाता है। निम्नलिखित में से किस देवता के रथ के बकरे द्वारा खींचने का वर्णन मिलता है? मित्र, पूषण, रुद्र या वरुण? दोस्तों, इसमें मिलता है पूषण को। विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वसुबंधु ने, नागार्जुन ने, अश्वघोष ने या मैत्रेयनाथ ने? दोस्तों, ये की थी विज्ञानवाद संप्रदाय की स्थापना मैत्रेयनाथ ने। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वासित शब्द का संबंध है ब्राह्मणों और क्षत्रियों से, वैश्यों और शूद्रों से, केवल शूद्रों से, वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोगों से? दोस्तों, इसका संबंध है केवल शूद्रों से। निम्नलिखित में से किस एक को वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? कपिल, नरसिंह, बामन या वराह? दोस्तों, इसमें वर्णित किया गया है वराह को। शूद्रों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल में उदास तथा श्रमिक थे, शतपथ ब्राह्मण उन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता था, कौटिल्य व्यवसाय के रूप में उन्हें कृषि कर्म की अनुमति देता था, पूर्व मध्यकाल में ये सत और असत वर्ग में सम्मिलित थे। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, इसमें सब सही होंगे, ए, बी, सी और डी। ऋग्वैदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था राजा के लिए, परिवार के मुखिया के लिए, पुरोहित के लिए, ये धनाढ्य व्यक्ति के लिए किसका होता था बताइए? तो दोस्तों, ये होता था राजा के लिए। विष्णु का तमिल नाम है सुब्रह्मण्यम तिरुमल मुरुगन वीरकल? दोस्तों, बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो विष्णु का जो तमिल नाम है वो नाम है तिरुमल। आगे बढ़ेंगे। मनु की विधि व्यवस्था चोरी के लिए निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? दोस्तों, सबसे ज्यादा दंड दिया जाता था ब्राह्मण को। अगला प्रश्न। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसे था? पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु या पति? तो दोस्तों, सबसे प्रथम अधिकार था पुत्री का। अविवाहित लड़की के पुत्र के लिए स्मृति साहित्य में क्या अभिधान प्राप्त होता है? औरस, कानीन, क्षेत्रज या सहोदर? दोस्तों, ये प्राप्त होता है कानीन। वर्ण संकर का मतलब है जाति की शुद्धता, सामाजिक वर्गों का अलगाव, सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण, उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों, वर्ण संकर का मतलब है सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण। आगे बढ़ेंगे। नारद स्मृति में उस स्त्री को द्वितीय
पद प्राप्त करने की अनुमति देती थी जिसका प्रथम पद नपुंसक जातिच्युत हो गया हो, दिवंगत हो गया हो, प्रवर्जित हो गया हो। कौन सा कूट इसमें से सही होगा, विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों। इसमें जो है चारों विकल्प सही होंगे, नपुंसक हो, जातिच्युत हो गया हो, दिवंगत हो या प्रवर्जित हो, तो विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, मिट्टानी संस्कृत की धार्मिक आस्था में निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता विद्यमान थे? अग्निभूषण सूर्य यम, अग्निमित्र इंद्र वरुण, इंद्र वरुण मित्र नाशत्य मित्र वरुण भूषण रुद्र। दोस्तों इसमें सम्मिलित थे इंद्र वरुण मित्र और नाशत्य। अगला प्रश्न, उपनिषद कौन सा इसमें से कथन सही है, आपको बताना है ए कथन ए कथन आर में से। उपनिषदों पर संकलन वैदिक काल के अंत के आसपास किया गया। उपनिषदों का चिंतन आत्मा के विचार के इर्द गिर्द केंद्रित है ना कि बलि के। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की स्पष्ट व्याख्या है। ए आर दोनों सही परंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, ये दोनों भी कथन जो है लिखे हुए सही हैं और आर जो है वो ए की स्पष्ट व्याख्या है, ठीक है, तो विकल्प ए सही होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।